वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया। कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आजाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है। क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। मैं ये सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये सब बगैरत लोग हैं, ये मुसलमान है अच्छा। और क्या है। नॉर्मली यही मैप शेयर किया जाता है जो इंडिया ने मैप शेयर किया है, जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है, जो ये है जिसे मैंने ये अभी शेयर किया है, ऐसा मैप अमूमन नहीं दिखाया जाता। जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा नहीं, है। हमारा मीडिया सोया हुआ है, हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना वो इंडियन मीडिया फैलाता है, हमसे ज्यादा वो हमें बताता है कि ये हो रहा है आलमी दुनिया में इस्लाम के मतलब। का मतलब हमसे बेहतर फिर वो हाँ है। जी हाँ जी, बहुत है, वो आजाद है, उनका अच्छा। मीडिया आजाद है, हमारा मीडिया ने जो खबरें दी जानी उन्होंने वही बोलनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के, यहाँ यूएई के प्रिंस ने भारत का झंडा और भारत का जो नक्शा था उसे जारी किया है, और भारत का नक्शा जो सही नक्शा है उसे उन्होंने जारी किया है, और पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में दिखाया गया है। तो उस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़की हुई है, और पाकिस्तानी मीडिया मानने को तैयार नहीं है कि यूएई हमारा जो वो अपने ब्रदर मानते हैं उनको, वो हमें छोड़ के इंडिया की तरफ हो रहा है। तो इस पे पाकिस्तानियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और पाकिस्तानी पब्लिक भी साथ साथ यही कह रही है कि अब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। तो इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी है और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। आपको क्या मानना है कि ये सही है, और पाकिस्तान अपने स्टेट को तो खुद संभाल नहीं पाता है, ग्रेट बलूचिस्तान में इतने जो हो रहे हैं हादसा है उसको नहीं समझा पा रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर को संभाल पाएगा। तो यही है इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। धन्यवाद दोस्तों। जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। नहीं, हमारा मीडिया सोया हुआ है, हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना वो इंडियन मीडिया फैलाता है, हमसे ज्यादा वो हमें बताता है कि ये हो रहा है आलमी दुनिया में इस्लाम के मतलब। मतलब हमसे बेहतर फिर वो हाँ है। जी हाँ जी, बहुत है, वो आजाद है, उनका मीडिया आजाद है, हमारा मीडिया ने जो खबरें दी जानी उन्होंने वही बोलनी है। ये जो मैप शेयर किया गया है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका। जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है जी, जुल्म हो गया, ये हो गया। इजिप्ट में, सऊदीया में जब ये चीजें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरती है। ये जो आप घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में, और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के उनकी आवाज इस तरह से नहीं बने एक जिस तरह से बनना चाहिए। यूएई जो ना, यूएई वो सिर्फ उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट लाता है, उनका जो सोच है उनका यही है, तो पाकिस्तान से वहाँ पर कुछ नहीं जाता है, बस सिर्फ वहाँ पर मांगने के लिए जाते हैं। तो इंडियन वहाँ पर, उनका वहाँ पर वैल्यू है, इज्जत है, तो उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो मजबूत है, उनका वहाँ पर उनका सफाखाना मजबूत है। इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है, और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी हरकत को हम अपनी और कश्मीरियों की तजलील समझते हैं। ये क्या से बिलोंग करते हो? मैं गिलगित में दियामर से बिलोंग करता हूँ। सिकरदू नाम से एक जगह है वहाँ पे, सही है। तो सिकरदू के लोगों ने कहा था कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं, वो मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी, एक क्लिप, उसमें वो कह रहे धमकी उन्होंने दिए, मतलब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, शायद इस तरह का कुछ था कि उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं, या तो हमें यहाँ सही तरह से राइट्स प्रोवाइड किया जाए या हम इंडिया जा रहे हैं। कि गिलगित सिटी के अंदर, गिलगित सिटी का जो जो इंडिया का जो परचम है उसको अपने हाथ में लहराया है पाकिस्तानी झंडे के साथ, ये इंडिया जिंदाबाद के नारे भी उसने लगाए, ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत वायरल था ये। गिलगित बल्तिस्तान का जो पाकिस्तानी है वहाँ रहते हुए उसने कहा था कि मैं, उसने ये कहा था कि इंडिया जिंदाबाद, और
इवन उसके अभी भी वीडियो मेरे पास नेट नहीं है वरना मैं आपको अभी दिखा देता। उसने कहा था कि इंडिया जिंदाबाद और इंडिया का झंडा उसने लहराए जज्बे के साथ। अभी मेरे पास नेट नहीं है वरना मैं आपको अभी दिखा देता। इंडिया की प्रायोरिटी ये है कि उन्होंने लिटरेसी रेट जो है ना अपना वो बहुत बेहतर करना है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को ना बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करना है। यही वजह है कि आज माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ वो भी एक इंडियन है, उसके बाद जो ट्विटर के अंदर भी जो है मेन जो पोस्ट पे लोग हैं वो भी इंडियन है, उसके साथ साथ जितनी भी की कंपनीज है ना घोड़ों की वो वहाँ पे सारे इंडियंस ही काम कर रहे हैं। और जितने अगर आप पाकिस्तानियों को संभाल लिया तो वो सैलम लेके वहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, या फिर कोई किसी और किस्म की पनाह लेके बैठे होंगे, या फिर वहाँ पे ऊबर क्रीम चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद भी करेज नहीं है। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा है, हम चाहते हैं कि वो हिस्सा बना रहे हमारे साथ, वो जुड़ा रहे, लेकिन यकीनन हम प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। हम कौन होते हैं चाहने वाले, ये फैसला तो कश्मीरियों को नहीं करना चाहिए। हमें अपने रद्देमल को कुछ बेहतर करना होगा, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुनिया के ममालिक के साथ मिलते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज में ऐसी एक करेज लेके आनी होगी ताकि दुनिया हमारा एहतराम करे, दुनिया एक बराबर की सतह पर जो है वो हमारे साथ बात करने की पोजिशन में आए। जब तक हम उनको अपने बराबर की सतह पर बात करने की पोजिशन में नहीं लेके आएंगे तब तक हमारे यही मामला रहेंगे, तब तक हो सकता है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कोई और शहर भी जो है वो कोई और मुल्क जो है वो इंडिया के हिस्से में नक्शे के ऊपर जो है वो शो करवा दें। अब मैं तो यहाँ हूँ, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि वहाँ शिया सुन्नी बरादरी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं। इवन शियों का जो होता है बड़ा इमाम होता है, अब उनको क्या कह सकते हैं मुझे उनका आइडिया नहीं, जो लीडर और जो सुन्नी बरादरी का जो लीडर है, इन दोनों ने तो अपने अपनी जो है तबका नीचे उन सबको कहा था कि बिल्कुल रोड पर निकलो, मतलब जलूस जलसे निकालो, काफ़ी जलसे उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह। सिकरदू नाम से एक जगह है वहाँ पे, सही है, सिकरदू के लोगों ने कहा था कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। वो मैंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी, एक क्लिप, उसमें वो कह रहे धमकी उन्होंने दिए, मतलब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को शायद इस तरह का कुछ था कि उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं, या तो हमें यहाँ सही तरह से राइट्स प्रोवाइड किया जाए या हम इंडिया जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया कैसी भड़की हुई है कि हम लोगों को जो सही नक्शा नहीं है जारी किया यूएई ने और हमारे लिए ही क्यों गलत कर रहा है यूएई। तो यूएई भी अब जान चुका है कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी में ही सिर्फ लगा रहेगा, तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। और ये अब यूएई भी समझ चुका है, तो अब इंडिया से धीरे धीरे अपनी कम कर रहा है और उसके साथ साथ इंडिया के साथ अब वो मिल के आगे बढ़ना चाहता है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने ही जो स्टेट्स हैं उनको अपने साथ नहीं लेकर रख चल पा रहा है। देखिएगा बहुत जल्द ही पाकिस्तान तीन टुकड़ों में बटेगा और पाकिस्तान का जो गिलगित बलूचिस्तान वाला, और यहाँ बात करें तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और वो अपने आज़ादी मांग रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को सुनना होगा और पाकिस्तानियों को इसकी जवाब भी देनी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।